गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में पहले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहदिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं मैथ में हमारा वर्क एंड टाइम का टॉपिक चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को बारह तथा पंद्रह दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन चार दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। बाकी बचे काम को बी ने कितने दिनों में पूरा किया होगा। ऑप्शन है आपके 20/3 दिन में, 25/3 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है क्या है बेटा, पहले इसको हम समझते हैं कि ए और बी जो है दो बंदे हैं जो किसी काम को 12 दिन में ए और बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब इन दोनों ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन काम शुरू करने के 4 दिन बाद जो ए जो है वो काम छोड़ के चला गया। मींस अब ए और बी ने काम शुरू किया तो ए की छोड़ने के बाद बाकी बचा हुआ काम किसे करना है, पूरा बी को करना है। आपको ये बताना है कि बाकी बचा हुआ काम बी ने कितने दिनों में पूरा किया होगा, जिसके लिए आपका ऑप्शन है 20/3, 25/3, 6 दिन या 5 दिन। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ए का एक दिन का काम हमें मालूम है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा था, 12 दिन में। तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/12। वैसे बी किसी काम को पूरा कर रहा था कितने दिन में, 15 दिन में। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। इसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि ए और बी ने चार दिन में मिलकर कितना काम किया।
कैसे निकालेंगे भाई, कि भाई एक दिन का तो ए का 1/12, बी का एक दिन का 1/15, और हम निकाल कितने दिन का रहे हैं, 4 का, तो जो निकलेगा मल्टीपल बाय किस हो जाएगा 4 से, वो 4 दिन का काम निकल आएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें एलसीएम आ गया आपका 12 का और 15 का एलसीएम आ जाता है आपका कितना 60 एलसीएम आ गया, 4 को आपने एजिजो लगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 12 से 60 को, तो 5 आंसर आता है, मींस 5 आ गया, 5 आ गया आपका, प्लस में 60 को 15 से किया तो 15 4 का 60, 15 चौके 60, 4 एकम 4, मींस आपका आंसर आ गया 4 ब्रैकेट 9 ओवर 60, 4 ओवर 9 इनटू 9 ओवर 60 आपका आंसर आ जाता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इनटू 9 ओवर 60 आ जाता है, तो अगर आप इसको करोगे तो 3 जा 9 और 3 टू जा 20, मींस आपके यहाँ पे 4 है, तो इसको इसने कैंसिल कर दिया, 4 5 जा 20, 3 ओवर 5, मींस 4 दिन में ए और बी ने काम का 3/5 भाग जो है वो किया है, 3/5 हिस्सा 4 दिन में ए और बी ने मिलके किया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बचा हुआ काम कैसे निकालें भी, बचा हुआ काम कि एक हिस्सा काम का तो बचा हुआ है, एक हिस्सा काम का भी पेंडिंग है क्योंकि शेष बचा हुआ का लिए बोल रहा है, तो एक हिस्सा काम का बच गया और 3/5 जो है वो काम हो चुका है, 3/5 जो है काम हो चुका है, तो इसमें हमने एलसीएम ले लिया कितना 5 का एलसीएम ले लिया, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 3 कितना आ गया आपका 2/5, तो काम का जो हिस्सा बचा हुआ वो कितना है आपका 2/5, कितना बचा है 2/5, तो बी द्वारा बचा हुआ काम बी द्वारा किया जाएगा, बचा काम निम्न समय में क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 15, ये जो आपका 15 डेज था किसका, ध्यान दीजिए बी द्वारा 15 दिन में काम किया जाता है, 15 कहाँ से लाए आपका 15 दिन में जो ये कार्य पूरा कर रहा था, ठीक है बी का, ठीक है 15 इंटू आपका ये जो आया है कितना 2/5, जब आपने इसको सॉल्व किया है 2/5 जो आपका ये काम आया हुआ है, बचा हुआ काम मींस ये 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है काम को, और बचा हुआ काम इसका ये आ गया 2/5, तो आपने इसको कैंसिल किया, 5 3 15 मींस 3 2 6, ये आपका निकल आएगा कि जो बचा हुआ काम है बी पूरा करेगा कितने दिन में, 6 दिन में, तो हमारा जो आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन वो करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम के 4/5 भाग को बीस दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर फिर ए बी के साथ मिलकर ए बी के साथ मिलकर बाकी बचा काम
3 दिन में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। कहने का क्या मतलब है कि भी ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, और फिर बी उसके साथ मिल गया, उसने बाकी बचा हुआ काम जो है 3 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिल गए। आपको ये बताना है कि अगर ए को न मिलाया जाए, क्योंकि ए तो पहले से ही काम कर रहा था, तो बी ने आने के बाद कितना समय अकेला अगर उस काम को करे तो कितना समय उसमें लगेगा। ऑप्शंस देखिए आपके, थर्टी सेवन डेज, सेकंड 37 1/2, थर्ड 40 और फोर्थ 23। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ए का मालूम है, ए का हमें पता है, दिया हुआ है कि ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कैसे पता चलेगा, ए का एक दिन का काम हमें दे रखा है कि 4/5 भाग जो है काम का वो 20 दिन में सॉल्व कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए का एक दिन का कितना हो जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई में 20, ठीक है, मल्टीप्लाई में 20। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हाँ एक मिनट, यदि बी किसी का, ए किसी काम को 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसको 4 × 5 × 20 हम लिखते हैं, तो ये आपको मालूम है 4 × 5 = 25 मीन्स 1/25 भाग जो है वो एक दिन में करता है, एक दिन का काम है इसका 1/25 इसका ए का। कितना ज्ञात करने के बाद हम जब देखते हैं कि बाकी काम का हिस्सा कितना बचा, बाकी बचा काम, तो ए बाकी बचे हुए काम में एक पार्ट तो आपका एज यूजुअल बचा है, उसमें से 1/25 जो है काम आपका हो चुका है। सॉरी 1/25 नहीं, इसमें आपने देखा कि 1/4/5 भाग जो है वो ए कर रहा है, एक पोर्शन तो आपका वर्क का एज यूजुअल बचा है, उसमें से 4/5 भाग जो वो हो चुका है, तो यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया 5 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5, और 5 को 5 से डिवाइड किया 1, और 4 × 1 = 1 मींस 1/5 1/5 जो है वो बाकी बचा हुआ काम है। और आप एक चीज भी और भी बता सकते हो कि ए और प्लस बी, ये दो ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, साथ मिलकर बचा हुआ काम। अब आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ए और बी साथ मिलकर बचा हुआ काम पूरा कर सकते हैं 3 दिन में, तो बचा हुआ काम कितना है आपका 1/5, बचा हुआ काम कितना है आपका 1/5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी द्वारा 3 दिन में बचा हुआ, 3 दिन में किया गया बचा काम कितना 1/5, ठीक है। अब बी द्वारा किया गया काम, ये तो हो गया आपका इकट्ठा, तो बी द्वारा किया गया काम, जब बी द्वारा किया गया काम की बात करते हैं तो आपको मालूम है बी द्वारा कितना था आपका 1/15 1/15
बटे 15 माइनस में 1/25, ठीक है, ये जो आपका 1/25 आ गया। आप 15 का और 25 का अगर आप एलसीएम ले रहे हो, 15 और 25 का अगर आप एलसीएम ले रहे हो, 5 से क्या, 5 से 15, 5 से 25, means 5 3 is 15, 15 5 जा 15 में 5 जा को अगर आप सॉल्व करते हो, आई थिंक 75, 75 का आपका यहाँ पे एलसीएम आ गया। 75 के बाद अगर आपने इसको किया, 15 में 5 जा 5 1 जा 5 माइनस 25 से अगर बात करते हो, एक मिनट, हाँ सही है, 5 5 जा 75, 5 आ गया, 5 बन जा 5, ओके, 25 3 जा 75 और 3 बन जा 3, मींस 275 समय जो है आपका आ जाता है, मींस बी जो अकेला है इसको 2/75 में सॉल्व करेगा। अब समय काम पूरा करेगा, ठीक है, ये तो काम आ गया 2/75 बाद। अब इसका अगर आप टाइम निकाल रहे हो, ये सॉरी टाइम आ गया, अगर आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कैसे 20 कैसे लिखोगे, सॉरी 75/2 आ गया आपका, एक 2 आ गया ना, 2 और 75, ठीक है, 75/2 आ जाता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमें इसको वर्क के टाइम के अकॉर्डिंग अगर शो करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, थर्टी सेवन वन ओवर टू में आप इसको शो कर सकते हो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 37 1/2 को, तो 37 2 जा इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 7 14 7 2 14 और 2 3 6 और 1 7 74 1 75/2 का आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में बोता है, कितने दिन में बोता है, 6 दिन में बोता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में होता है, ठीक है, तो ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में बोएंगे, सॉल्यूशन ये क्या कह रहा है कि भाई ए और बी
जो है दो बंदे हैं, तो एक खेत के दो बटे पांच भाग को छह दिन में बो रहा है गुणे एक, उसी खेत के एक बटे तीन भाग को बो रहा है बी दस दिन में, तो आपको बताना है ए और बी मिलकर चार बटे पांच भाग को खेत के कितने समय में बोए ये आपको पता लगाना है। चल इसके ऑप्शंस देखिए आप, चार दिन, पांच दिन, छह दिन या आठ दिन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए ए द्वारा बोया गया खेत, ए द्वारा बोया गया खेत की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि दो बटे पांच भाग जो है कितना, दो बटे पांच भाग को बो रहा है वो कितने दिन में, एक बटा छह दिन में। मींस ये तो हिस्सा हो गया जो उसने बोया है, ये बड़ा आपका टाइम हो गया कि कितने समय में उसने बोया है, एक बटा छह दिन में, तो इसको हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, 2 3 6 आंसर आ गया आपका 1/15, कितना आ गया 1/15 हमारा आंसर आ जाता है। मींस ए ने इतने खेत के भाग को बोया है। अब हम बी द्वारा बोया गया खेत का भाग वैसे निकालेंगे जैसे हमने इसको निकाला था, कैसे कि एक बटा तीन, और इसको कितने समय में कर रहे हैं, एक बटा दस में कर रहा है, तो इसके बी के द्वारा बोया गया वो खेत का भाग कितना हो जाएगा, 1/30, एक बटा तीस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी यानी कि दोनों ने ए प्लस बी ने ए प्लस बी दोनों ने मिलकर एक दिन में बोया खेत, तो इन दोनों का क्या निकलेगा, 1/15 + 1/30, जो ये पोर्शन है इसको हम ऐड कर देंगे, तो 1/30 + 1/15, 30 का और 15 का हमने एलसीएम ले लिया, 13 आ गया, 30 को किया 1, तो 1 प्लस प्लस में 13 टू 3, ठीक है, 2 आ गए, तो 3/30 मींस 3/30 इसको कैंसिल किया हमने, 1/10 मींस खेत का जो 1/10 भाग है वो ए और बी ने दोनों ने मिलकर बोया है, 1/10 भाग जो है खेत का ए और बी ने मिलके बो दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ने 10 दिन में खेत जोतेंगे, अब ये तो बात थी एक दिन की, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी 10 दिनों में खेत ना 10 दिनों में खेत बोएंगे, तो क्या जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी द्वारा बोया गया 4/5 भाग, ये आपका ए और बी मिलके के 4/5 भाग को कितने समय में बोए, तो हमने क्या किया, 4/5 इसका क्या हो जाएगा, 4/5 हमें दे दिया और प्लस में 10 दिन का समय दिया है, 10 दिन में कि कितना बोएंगे, तो हम क्या करेंगे, 4/5 × जो हमें टाइम पीरियड दिया है कितना 10, इसको हम अगर इसे कैंसिल करें तो 4 5 2 10 आ जाता है, मींस 4 2 8, तो यहाँ पे आपका पता चल जाता है कि ए और बी जो है
खेत का 4/5 भाग जो है वो कितने समय में बोएंगे, आप बता सकते हो 8 दिन में। तो 8 दिन वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में कुछ और टाइम और डिस्टेंस सॉरी वर्क और टाइम के क्वेश्चंस लेके। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी मेहनत लगा के मेहनत से घर पे तैयारी करेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।